Ça va? Ah, mais ça, donc voilà, bah oui, comment ça va? Hein? Ah, papa, il est là, je suis là. Il y a pas de paix, donc, crabe. देखिए जैसे हमने वेदर प्रेडिक्शन की थी कि फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट नवंबर से लेके 3 नवंबर तक का बारिश या मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फ तो इतना ही हुआ था। कुछ मैदानी इलाकों में बर्फ भी हुआ है जैसे कि शोपियां कुलगाम देन गुरेज बंडीपुर के कुछ जगहों पर बर्फ का भी अभी रिपोर्ट आया है। तो ये मौसम ओवरऑल जो है रहेगा अभी अच्छी बर्फ़ हुआ है जैसे पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पे तो एक एक डेढ़ डेढ़ फुट तक भी बर्फ़ हुआ है खास करके दो जिला सोनम देन गुलमर्ग में भी तकरीबन एक से लेट के डेढ़ फुट तक भी सोनम बर्फ़ हुआ है। तो आज भी कुछ जगहों पे अभी बर्फ़ पड़ रहा है। आज पूरा दिन भर जो है बादल छाए रहेंगे ओवरकास्ट कंडीशन रहेगा तो पहाड़ी इलाकों में आज भी हल्की से लेकर दरमियान दर्जे के बर्फ़ कंटिन्यू रहने का इम्कान है। तो मैदानी इलाकों में कुछ कुछ मतलब पूर्व के बर्फ होंगे बारिश होंगे सॉरी। तो ये ऐसा रहेगा तो कल भी आज वाइड स्प्रेड जगहों पे बर्फ़ या बारिश होने का संभावना है। कल भी कुछ चंद जगहों कल भी ओवरऑल ही रहेगा लेकिन कल इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आज के मुकाबले बर्फ़ या बारिश कम हो जाएगा तो परसों से फिर मौसम साफ होने का इम्कान है। तो इसके लिए इसके बाद जो है 2 या 3 हफ्ते तक मौसम फिर खुशक रहने का इम्कान है।